नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। दोस्तों GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक आज के दिन 0.85 रुपए पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात की जाए तो यह ग्लोबल ग्रुप एंटरप्राइजेज इंडिया की इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है। इसकी जो स्थापना यानी हुई है 2004 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो यह नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात की जाए तो इसमें 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए दोस्तों तो इसके 28,000 से भी ज्यादा टावर हैं जो कि 22 टेलीकॉम सर्कल्स में है, यानी कि टेलीकॉम सर्कल है इसके 22 से भी ऊपर इंडिया में, जो कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि 2G हो गया, 3G हो गया और 4G हो गया। ये सर्विसेज ये पूरी देश में यानी प्रोवाइड करती है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसके जो फाउंडर और चेयरमैन मनोज जी त्रोड़कर जी हैं और GTL इंफ्रा का जो नाम है दोस्तों, इसका जो टावर है बहुत, इसका जो नेटवर्क फैला हुआ है और अच्छी सर्विस जो वो प्रोवाइड करता है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसने जो हाई लगाया हुआ है वो 99 रुपए से भी ऊपर का लगाया हुआ है, वो भी 2008 में लगाया हुआ था। तो अभी काफी सस्ते रेट पर मिल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि आने वाले समय में इसका शेयर प्राइस काफी ऊपर जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी आने वाले समय में इसका स्टैक परचेज कर सकती है या फिर इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिलीवरीज की बात की जाए तो आज 30 जनवरी को इसमें 53.5% की डिलीवरी हुई है और 27 जनवरी को 80.3% की डिलीवरी हुई थी, जो कि डिलीवरी वाइज काफी अच्छा है। और अभी इसमें 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2022 को 66.5% की वीकली डिलीवरी हुई थी और 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच 70.1% की डिलीवरी हुई थी, जब ये इसका प्राइस 1 रुपए के ऊपर था, यानी 1.30 रुपए था। और मंथली वाइज डिलीवरीज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा डिलीवरीज हुई है वो हुई थी दोस्तों जनवरी 2022 में, जब इसका प्राइस 2.10 रुपए पर था। तो अभी ये काफी डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास 3.32% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास 96.68% की शेयर होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स के पास दोस्तों शेयर होल्डिंग काफी कम है, जो कि चिंता का विषय है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक भी कर सकती है, यानी अच्छे मार्केट प्राइस पर इसका बाई बैक भी किया जा सकता है। और जो प्रमोटर इसको होल्ड कर रहा है वो है ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 3.32% की शेयर होल्डिंग है। और पब्लिक शेयर होल्डर की बात की जाए तो इसमें जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसकी 12.2% की शेयर होल्डिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इसमें 7.44% की शेयर होल्डिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा की इसमें 5.75% की शेयर होल्डिंग है, इंडियन ओवरसीज बैंक की इसमें 5.29% की शेयर होल्डिंग है, ICICI बैंक लिमिटेड की इसमें 4.70% की शेयर होल्डिंग है, कनारा बैंक मुंबई की इसमें 4.1% की शेयर होल्डिंग है,
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इसमें 3.36% की शेयर होल्डिंग है और IFCI लिमिटेड की इसमें 2.37% की शेयर होल्डिंग है। तो अभी आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी सस्ते रेट पर भी मिल रहा है, 1 रुपए से भी कम प्राइस पर अभी मिल रहा है। और दोस्तों अभी जो बल्क डील दिखा रही है 17 जनवरी 2022 को IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ने इसके 10 करोड़ शेयर सेल किए हुए थे 2.30 रुपए पर, जो कि बल्क डील में दिख रहा है। कुछ कारणों के कारण उन्होंने सेल किया होगा IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ने। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और आप लोग जैसा कि चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसने जो हाई लगाया हुआ है वो 99 रुपए से ऊपर का लगाया हुआ है 2008 में। तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है। दोस्तों आप लोग GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए और इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए और आप इसको अगले 2 से 3 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 2 से 3 सालों में यह स्टॉक 30 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और दोस्तों मीडियम टर्म की बात की जाए, मीडियम टर्म में अगर आप इसको 4 से 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो यह स्टॉक 50 रुपए के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको 8 से 10 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो यह स्टॉक 100 रुपए के ऊपर जाता हुआ भी नजर आ सकता है। और दोस्तों आने वाले समय में इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कोई बहुत बड़ा दिग्गज विदेशी कंपनी या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन इसका स्टॉक परचेज कर सकता है या प्रमोटर्स के रूप में भी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। और दोस्तों हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से भी आने वाले समय में इसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे रिलायंस जियो हो गया, उसके जो चेयरमैन है यानी कि मुकेश अंबानी जी या फिर अडानी ग्रुप से के यहाँ से भी इसको कोई ओपन ऑफर मिल सकता है। तो आने वाले समय में इसका स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर इस लेवल से थोड़ा नीचे जाता है तो वहाँ पे भी आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है। आप लोग GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए और इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए और आप इसको अगले 2 से 3 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 2 से 3 सालों में यह स्टॉक 30 रुपए तक जा सकता है और मीडियम टर्म की बात की जाए 4 से 5 साल अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो 50 रुपए के ऊपर भी ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए यानी कि 8 से 10 साल अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो यह 100 रुपए के ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका है, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में अपने शेयर्स भी बायबैक कर सकती है मार्केट रेट पर या फिर अच्छे रेट पर भी ले सकती है कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स से। तो आने वाले समय में इसका स्टॉक प्राइस अचानक से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए शेयर्स का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।